सावन का महीना शुरू होने वाला है। लाखों करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा जल भरने के लिए आने वाले हैं। इसके लिए धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम खास तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ यात्रा को सकुशल बनाने के लिए प्लान रेडी कर लिया है। कांवड़ मेले में कानून व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले भक्तों के लिए ट्रैफिक और पार्किंग की टेंशन को भी दूर कर दिया गया है। इस कांवड़ मेले की तैयारी के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 जुलाई को ही एक मेरी अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय बैठक हुई थी, जिसमें 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। मैं जो कांवड़ मेले की मैनेजमेंट की जो देखे, दो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो हरिद्वार के अंदर जो मेला क्षेत्र है वहां पर हमारी क्राउड मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, पार्किंग की स्ट्रैटेजी है, एक तो उसको लेके वो हमारी इनहाउस उत्तराखंड पुलिस की इनहाउस चुनौती होती है, तो उसके बारे में भी हमने और राज्यों को अवगत कराया ताकि वो उनको भी समझ में आए कि ये जो हमारी इनहाउस स्ट्रैटेजी है ये बाहर जो बाकी उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन करना है उसके साथ कैसे फिट बैठेगी। चलिए आपको हरिद्वार में पार्किंग व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों के बारे में बताते हैं। हरिद्वार में सुरक्षा के मद्देनजर इस बार पूरा मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 120 सेक्टर में बांटा गया है। 333 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए भी दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ तालमेल बैठाकर काम किया जाएगा। मेले में बड़ी कांवड़ लाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा भक्तों की भारी भीड़ के चलते पार्किंग की समस्या को भी दूर कर दिया गया है। हरिद्वार में 13 जगहों पर पार्किंग को बनाया गया है, जिसमें तकरीबन 50,000 के करीब गाड़ियों को खड़ा करने की क्षमता होगी। साथ ही 1,000 के करीब टॉयलेट की भी व्यवस्था की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि हरिद्वार में किन जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मोतीचूर पार्किंग में 15,000 भारी वाहनों को खड़ा किया जा सकता है। सर्वानंद घाट पर हल्के और 1,000 दोपहिया वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। पंतद्वीप पार्किंग में 3500 हल्के वाहन खड़े किए जा सकते हैं। धोबीघाट पार्किंग पर 150 हल्के वाहनों को खड़ा करने की क्षमता है। रोडीबेल वाला पार्किंग में 800 दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं। अलकनंदा पार्किंग में 800 दोपहिया वाहनों की व्यवस्था है। ऋषिकुल मैदान में 500 भारी वाहन खड़े किए जा सकते हैं। हरिराम इंटर कॉलेज में 100 भारी वाहन की व्यवस्था है। बैरागी कैंप में 15,000 भारी वाहन खड़े किए जा सकते हैं। गौरी शंकर में 3,000 भारी वाहन की व्यवस्था है। नीलधारा पार्किंग में 3,000 भारी वाहन खड़े किए जा सकते हैं। चमगादड़ टापू में 1,000 हल्के और दोपहिया वाहन की व्यवस्था है। लालजीवाला पार्किंग में 1,500 भारी वाहन खड़े किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी पार्किंग कम पड़ती है तो दक्ष मंदिर, गुरुकुल, कांगड़ी मैदान के अलावा धीरावाली मैदान में अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं कांवड़ियों की ज्यादा भीड़ आने पर हिल बाईपास को खोल दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की 7 और पीएससी की 12 कंपनियां समेत लगभग 10,000 उत्तराखंड पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। और उसके अलावा जो अन्य राज्यों से हमारा जो रहता है वो मेन चीज है ट्रैफिक मैनेजमेंट में उनका सहयोग। तो आप देखते हैं यहां से लेकर दिल्ली तक नेशनल हाईवे पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कुछ डाइवर्जन्स किए जाते हैं। अच्छा, भीड़ के दबाव को देखते हुए अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रूट डाइवर्जन प्लान लागू होते हैं। तो उन राज्यों के साथ भी हमारा ट्रैफिक प्लान तैयार हो चुका है। हमारा इनहाउस भी हमने जो ट्रैफिक और पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो करना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि ड्रोन्स का भी एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया जाए क्राउड मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, तो वो एक इनोवेशन है। हर साल थोड़ा बहुत उसमें हम लोग बढ़ोतरी करते हैं। इस वर्ष सारे स्टेट और सेंट्रल की सारी फोर्सेस मिला के लगभग 7,000 विभिन्न बलों के पुलिसकर्मी इस कांवड़ मेले यात्रा में हरिद्वार में और हरिद्वार के आसपास जो मेला क्षेत्र है, ऋषिकेश, ये सब में डिप्लॉयड रहेंगे। बता दें कि इस बार कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसमें 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ आने पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए बिना परमिशन ड्रोन कैमरे को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भक्तों का हरिद्वार पहुंचने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों की गूंज अब कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, अब बस कांवड़ यात्रा के शुरू होने का इंतजार है।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।